At first, good afternoon to my all students of class second. जैसा कि हम इसके पहले previous days में भी आपके लिए कई lecture लेके आए हैं और उन lectures को आप हम आशा करते हैं कि आप देख भी चुके होंगे और उनके द्वारा आपको बहुत ही help मिली होगी और knowledge भी हुआ होगा. साथ साथ आप उसके notebook भी उसको बना करके उसको नोट करते रहिए, ठीक है. तो उसी क्रम में आज हम आपके लिए चैप्टर जीरो जो रिवीजन चल रहा है उसका पार्ट सिक्स लेके आए हैं. पार्ट फिफ्थ में ये क्वेश्चन बताया गया था लेकिन फिर आज हमें लगा कि उसके कुछ और एग्जांपल्स अगर आपके पास पहुंचेंगी तो आपको आपका जो भी कुछ बचा खुचा डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा. आगे है आपका आपके स्टैंडर्ड में जैसे क्रम दर क्रम क्वेश्चन आ रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे ला रहे हैं और एक तरफ से मतलब वन बाय वन क्वेश्चन जैसे जैसे उसमें दिए गए हैं उसी तरह से क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और सबका सलूशन वन बाय वन बता रहे हैं यहाँ पे. और कहीं भी अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी मिले जो लोग पढ़ना चाहते हैं और उन तक मान लीजिए अगर सुविधा नहीं पहुंच पा रही आपको लग रहा है कि वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए तो उन्हें भी वो मिल जाए. तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं. कह रहा है कि पुट सर्कल अराउंड द लार्जेस्ट न्यूमिरल. ध्यान से सुनिएगा, पुट सर्कल अराउंड द लार्जेस्ट न्यूमिरल यानी सर्कल पुट करिए यानी सर्कल रखिए. इसके पहले भी हमने बताया अराउंड में चारों ओर द की कोई मीनिंग नहीं, लार्जेस्ट में सबसे बड़ा यानी लार्ज लार्जर लार्जेस्ट होता है. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हुई है लार्ज की. तो इसी तरह से कह रहा कि सर्कल रखिए या सर्कल लगाइए कहाँ, द लार्जेस्ट न्यूमिरल जो सबसे बड़ा न्यूमिरल हो जो सबसे बड़ा नंबर हो, है ना. पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूमिरल के जगह नंबर लिखा था तो हम आपको बता दें नंबर न्यूमिरल फिगर ये सब एक ही वर्ड के सिनोनिम्स हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है. न्यूमिरल लिखा है उसका मतलब भी होता है संख्या. तो कह रहा जो सबसे बड़ी संख्या है उसके चारों ओर एक सर्कल रखना है एंड मींस और बॉक्स अराउंड द स्मॉलेस्ट न्यूमिरल इन ईच रो यानी बॉक्स रखना है. देखिए सर्कल और बॉक्स कैसे दिखते हैं फिगर ये पहले जान लीजिए. सर्कल ऐसे होता है और बॉक्स इस तरह का होता है. तो आप अगर जो नंबर लार्जेस्ट होगा उस नंबर के चारों ओर सर्कल रख देंगे और जो नंबर जो है आपका स्मॉलेस्ट होगा उसके चारों ओर ऐसा बॉक्स क्रिएट कर देंगे. चलिए अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर इस रो में, रो मतलब पंक्ति होता है. तो पंक्ति आप देख रहे हैं यहाँ पे थ्री रोज दी गई हैं, तीन पंक्तियां दी गई हैं. तो आप ये कैसे तय करेंगे कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है या कौन सा नंबर विच नंबर इज स्मॉलेस्ट इन दैम और विच नंबर इज लार्जेस्ट इन दैम, आप ये कैसे पता करेंगे. तो चलिए देखते हैं. हमने कहा था कि सबसे पहले अगर आपको लार्जेस्ट नंबर पता करना, क्योंकि देखिए अगर लार्जेस्ट कह रहा सबसे पहले क्वेश्चन पुट द सर्कल अराउंड द लार्जेस्ट न्यूमिरल यानी जो सबसे बड़ी संख्या है उस पर क्या करना है, सर्कल रखना है. तो जो सबसे बड़ा न्यूमिरल पहले उसी को ढूंढेंगे. कैसे, अब हम टेंस का प्लेस सारे डिजिट का देखेंगे, सारे डिजिट का टेंस का प्लेस देखेंगे. तो यहाँ फाइव है, सिक्स सिक्स सिक्स, फाइव सिक्स सिक्स, फाइव सिक्स और फाइव, ठीक. तो आप ये जान सकते हैं या सीधे सी बात है अगर फाइव टेंस के प्लेस पे रहेगा और अगर सिक्स टेंस के प्लेस पे रहेगा, सिक्स टेंस का मतलब होता है 60 और फाइव टेंस का मतलब होता है 50. तो आप ये समझ सकते हैं कि 50 जो है हमेशा जो 60 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो जो फाइव टेंस वाला है वो तो सिक्स टेंस वाले से कम होगा ही. अब हमको सिक्स टेंस वाले डिजिट में यानी देखो ये
ये और ये तो अलग हो गया क्योंकि इसके टेंस के प्लेस पे फाइव है। सबसे पहले नंबर्स को आइडेंटिफाई करते समय, पहचानते समय कि कौन सा आपका जो है लार्जेस्ट नंबर है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको जानने के लिए सबसे पहले टेंस की डिजिट सबकी देख लेंगे। तो टेंस की डिजिट में कुछ नंबर्स के टेंस का प्लेस सिक्स है, कुछ नंबर के टेंस का प्लेस फाइव है। तो फाइव वाला टेंस का प्लेस सिक्स वाले टेंस के प्लेस से कम हो जाएगा। ऑलरेडी हमने बता दिया कि अगर टेंस के प्लेस पे सिक्स है तो यानी सिक्स टेंजा सिक्सटी हो जाएगा, और अगर फाइव है तो फाइव जीरो फाइव टेंजा फाइव फिफ्टी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमको इन नंबर्स में जो सिक्स जिनका टेंस के प्लेस पे सिक्स रखा है, कैसे पता करेंगे कि इनमें कौन सा बड़ा है। अब जैसे हमें इस नंबर, इस नंबर, इस नंबर और इस नंबर और इस नंबर में अलग कर लिया, ठीक है, ऑब्वियस की बात है। आपने टेंस का प्लेस देखा सबके, और सबके फाइव था, सिर्फ इन जो अंडरलाइंड है उनपे ही क्या था, सिक्स था टेंस के प्लेस पे, इसलिए ये नंबर तो इससे छोटा होगा ही होगा, ठीक है। आगे इनमें कौन सा लार्जेस्ट होगा, चूंकि आप देख रहे हैं कि टेंस का प्लेस सब जगह पर क्या है, टेंस का प्लेस सारी डिजिट यानी दहाई का अंक जो है सारे संख्याओं में जो ये जिनको हमने अंडरलाइन अभी किया है वो सबका जो है टेंस का प्लेस सिक्स है। तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं भाई कैसे पता करेंगे कि कौन सा लार्जेस्ट है। तब अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो हम वंस का प्लेस देख लेते हैं। हम अगर सपोज दैट सबके टेंस के प्लेस पे फाइव होता और सिर्फ इसके टेंस के प्लेस पे सिक्स होता तो ये नंबर लार्जेस्ट होता और इस पर हम सर्कल लगा देते। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका टेंस का प्लेस फाइव, उनको हमने अलग कर लिए क्योंकि वो छोटे होंगे इन नंबर से। तो इनमें कैसे पता करेंगे, देखिए अब इनका हम वंस का प्लेस देखेंगे। यहाँ वंस पे आपका वन है तो सिक्स वन सिक्सटी वन हो जाएगा, या फोर है सिक्स फोर सिक्सटी फोर, या फाइव है तो सिक्स फाइव सिक्सटी फाइव, या टू है सिक्स टू सिक्सटी टू, या थ्री है तो सिक्स थ्री सिक्सटी थ्री। तो आप यहाँ से देख सकते हैं टेंस का प्लेस तो सबका सिक्स 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 है जिनका हमने अंडरलाइन किया है, जिनको हमने लार्जेस्ट में लार्जेस्ट जुड़ने के लिए अंडरलाइन किया है। तो अब इनका सिक्स सबका सिक्स है, हम नहीं समझ पा रहे कि इसमें कौन सा लार्जेस्ट है, तो हम वंस का प्लेस देखेंगे। यहाँ वन, यहाँ फोर, यहाँ फाइव, और यहाँ टू, और यहाँ थ्री। तो आप यहाँ ऑब्वियसली आप आसानी से बता सकते हैं वन फोर फाइव टू और थ्री में फाइव जो होगा क्या होगा, लार्जेस्ट है। देखो टेंस पे तो सब सिमिलर है, लेकिन वंस अगर हम इन सबको देख रहे हैं तो एक नंबर ये है जिसके टेंस के प्लेस पे इनकी तुलना में क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। तो इसलिए यही नंबर जो होगा आपका लार्जेस्ट हो जाएगा, ये सेकंड वे में। और पहला तरीका क्या था, काउंटिंग पढ़ो, है ना, काउंटिंग पढ़ो। आप देख सकते हैं कि सारे नंबर 50 के बाद के ही है, तो 51 से काउंटिंग पढ़ोगे तो सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, काउंटिंग पढ़ते रहोगे उसके बाद भी बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन इस रो में कौन सा नंबर ऐसा है जो काउंटिंग पढ़ते पढ़ने में सबसे लास्ट में आएगा, वो आएगा 65। इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। क्यों, क्योंकि कह रहा है पुट सर्कल अराउंड द लार्जेस्ट न्यूमेरल, यानी बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी है उस पे क्या करना है, सर्कल रखना है। अब सबसे छोटा आप कैसे ढूंढेंगे, तो छोटों के लिए जो अंडरलाइन डिजिट है, अंडरलाइन नंबर्स है, उनको छोड़ दीजिए क्योंकि ये इन सबों से बड़े हैं, हमने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इसके प्लेस पे सिक्स सिक्स था। अब जो अंडरलाइन नहीं है उनपे क्या क्या है, फाइव है। तो अब हम कैसे पता करेंगे स्मॉलेस्ट कौन है, क्योंकि टेंस के प्लेस पे सबके फाइव है, ठीक। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, यह अब वंस का प्लेस, हमने कहा कि अगर टेंस के प्लेस से क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा स्मॉलेस्ट या कौन सा लार्जेस्ट है, तो हम उसके वंस का प्लेस जो है देखते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे नाइन है, यहाँ वंस के प्लेस पे सिक्स है, और यहाँ पे वंस के प्लेस पे सेवन है, और यहाँ पर एट है। तो बताइए जब स्मॉलेस्ट ढूंढ रहे हैं यानी सबसे छोटा ढूंढ रहे हैं, तो बता आप ही बता सकते हैं कि नाइन सिक्स सेवन और एट में
कौन सा नंबर छोटा होगा, तो आप कह सकते हैं आसानी से, आप कह सकते हैं कि सर सिक्स जो है सेवन एट नाइन है ना, इन सबसे छोटा है, इसलिए ये वाला जो नंबर हो जाएगा, ये वाला नंबर ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, एक बॉक्स के अंदर रख देंगे, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है बॉक्स अराउंड द स्मॉलेस्ट न्यूमेरल इन ईच रो, मींस में ईच मींस प्रत्येक और रो मींस पंक्ति, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, और एक क्वेश्चन और इसका हम बताने जा रहे हैं, उसके बाद ये ऐड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें भी 66, 62, 70, 65, 68 और 96, 64 और 67 और 63, ये काफी आसान क्वेश्चन है। हम सबसे पहले कहेंगे कि लार्जेस्ट नंबर हमको ढूंढना है या स्मॉलेस्ट ढूंढना, हम लार्जेस्ट पहले पूछ रहा है इसलिए हम लार्जेस्ट ढूंढेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टेंस की नंबर्स को चेक करना है, सिक्स 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 और सिक्स, सबके टेंस के प्लेस पे सिक्स है, बस इस नंबर के टेंस के प्लेस पे सेवन है, तो इजिली सबका टेंस का प्लेस सिमिलर एक्सेप्ट इट, और ये जो टेंस का प्लेस है इन सब पे, इसका जो टेंस का प्लेस की डिजिट है वो इन सब में से लार्जेस्ट है ना, इन सब में लार्जेस्ट है, इसलिए ये वाला नंबर सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, यहीं से आसानी से पता चल जाएगा, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। आगे स्मॉलेस्ट ढूंढने के लिए टेंस का प्लेस, तो जो छोटी जो छोटे नंबर है उनका टेंस का प्लेस सिमिलर है, वंस का प्लेस देखेंगे, सिक्स है, टू है, फाइव है, एट है, नाइन है, फोर है, सेवन और थ्री है, तो बताइए सिक्स टू फाइव एट नाइन फोर सेवन थ्री, क्योंकि टेंस का प्लेस सिमिलर है इसलिए हम वंस का प्लेस देख रहे हैं, तो टू जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा इन सारे जितने भी नंबर्स हैं उनके वंस की डिजिट को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि टू ही जो होगा वो क्या है, सब में जो है सारे वंस की डिजिट में सबसे छोटा है, इसलिए ये नंबर जो हो जाएगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, और इसके चारों ओर इसके अराउंड हम जो है बॉक्स पुट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है, एड ए डी डी, एड एड मीन्स जोड़ना है ना, या इसे एडिशन भी कहते हैं, ए डी डी आई टी आई ओ एन, एडिशन योग या जोड़ना, ठीक है। जोड़ना क्या है, जैसे आप समझिए कि आपको कोई मम्मी या पापा आपको दो चॉकलेट दे रहा है, फिर आपको कोई और आपका ब्रदर या सिस्टर थ्री मोर चॉकलेट आपको दे दिया, तो अब आपके पास कितने चॉकलेट हुए, तो आप कह सकते हैं सर टू चॉकलेट मम्मी ने दिया और थ्री मेरी सिस्टर ने दिया, तो वो मिलाकर के कुल कितने हो गए, फाइव हो गए। इस तरह से जैसे थ्री, पहले टू मम्मी ने दिया, थ्री सिस्टर ने दिया, दोनों मिला के कितने हो गए, तो वन टू थ्री फोर फाइव, कितने हो गए, फाइव हो गए। इसी तरह से आसान है, सबसे पहले ये है ऐड करने में एक तरीका हमको आसान ये पता करना होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से डिजिट को सबसे पहले जोड़ते हैं, सबसे पहले किस डिजिट को जोड़ते हैं, ये कंफ्यूजन काफी बच्चों में आम रहती है, वो पहले इस डिजिट को, इन दोनों डिजिट को जोड़ देते हैं। याद रखिए जो सबसे राइट होगी, जो सबसे दाहिनी ओर होती है, राइट हैंड की तरफ होती है, वो वंस की डिजिट होती है, ओ एन एस वंस इकाई का अंक होता है, और जो इधर का जो डिजिट होता है दोनों है, इसको टेंस की डिजिट कहते हैं, टी ई एन एस टेंस की डिजिट होती है। तो याद रखिए जब भी हम ऐड करेंगे, चाहे वो टू डिजिट का नंबर ऐड करना हो, चाहे फाइव डिजिट का नंबर ऐड करना हो, चाहे नाइन डिजिट का नंबर ऐड करना हो, अंक चाहे जितने हो जाए, लेकिन अगर योग करना है, जोड़ना है, तो सबसे पहले प्रारंभ हम इकाई के अंक से करते हैं, यानी वंस के प्लेस से हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखिए, टू है, इजिली आप फिंगर से, फिंगर का यूज करके
ऊपर एडेंट क्या है, टू है, ऊपर एडेंट क्या है, टू है, और नीचे कितना है, वन। पहले टू फिंगर अप करेंगे, फिर नीचे वन ऐड करना है, वन फिंगर अप करेंगे, फिर इसको काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री, टोटल कितने हो गए, थ्री, क्योंकि ऐड करना है एक साथ मिला के काउंट करना पड़ेगा, टू वन थ्री हो जाएगा, ठीक। आसानी से फिर जैसे ही वंस के डिजिट ऐड करते हैं, आगे बढ़ते हैं टेंस के डिजिट ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर कितने हैं, टू है, तो हम टू फिंगर्स अप करेंगे, नीचे कितना है, फोर है, तो वन टू थ्री फोर, फोर फिंगर अप करेंगे, क्योंकि दोनों को ऐड करना है, तो पास में लाएंगे और फिर से काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना हो गया टोटल, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना हो गया, सिक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिक्स, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड जिस जैसा आपका लेवल है उस लेवल पर बेटी समझिए, जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ऊपर वन लिखा है, यहाँ वन लाइन आप स्केच कर दीजिए, वन स्ट्रोक स्केच कर दीजिए, और यहाँ नीचे सेवन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन स्ट्रोक स्केच कर दीजिए। अब क्योंकि आप दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, एक साथ रख के काउंट करना है, तो आप सीधे एक साथ रख के काउंट कर दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी वंस के प्लेस के नीचे क्या कर देंगे, एट लिख देंगे। इसके बाद यहाँ टू है, यहाँ टू है, यहाँ टू स्ट्रोक हम स्केच कर देंगे, और इस टू के नीचे टू, इसके फ्रंट में हम टू स्ट्रोक स्केच कर देंगे, फिर एक साथ काउंट कर लेंगे, चूंकि जोड़ना है, वन टू वन टू, तो टू टू कितना हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, यानी फोर हो जाएगा, और इसके नीचे हम लिख देंगे, ठीक है। हम आशा करते हैं हर प्रश्न, जितने भी प्रश्न यहाँ पे बताए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन का सलूशन आप आसानी से सीख रहे होंगे। हमने आपको ये लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, जो आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, और इसमें दो क्वेश्चन का सलूशन बताया है, और ये लास्ट के दो जो है ये भी आपकी क्या है, होमवर्क है। तो आशा करते हैं हर बिंदु पर आपको हर चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और ढेर से ज़्यादा आप शेयर करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।